Well, hey guys, this is Drumster, और मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे एंड इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑसम एडवेंचर टाइप गेम्स बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम्स के बाद जरूर खेलने चाहिए बिकॉज इन गेम में ऑसम स्टोरी ग्राफिक्स एंड ऐसी काफी सारी चीजें जो कि आपके दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करेगी एंड दैट्स व्हाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, अगर आपको थोड़ा ब्यूटी विद डार्क एक्सपीरियंस चाहिए देन डेज गॉन इज बेस्ट फॉर यू। डेज गॉन पहले एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम थी जिसे बाद में पीसी के लिए रिलीज किया एंड अगर इस गेम की बात करूं देन तुम्हें इसकी स्टोरी खेलने में जरूर मजा आएगा। पता नहीं ये गेम इतनी अंडररेटेड क्यों है और प्लेस्टेशन कम्युनिटी के लोग बिना इस गेम को खेले फालतू के रिव्यूज क्यों देते हैं, बट अगर मैं बात करूं पर्सनल एक्सपीरियंस की देन डेज गॉन बहुत ही अच्छी गेम है। इस गेम के प्लॉट की बात करूं देन इस गेम में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है एंड यहीं पे डिकन सेंट जॉन नाम का एक बाइक राइडर होता है जिसे लगता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ ज़ॉम्बीज, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसे हिंट मिलता है कि शायद उसकी वाइफ जिंदा हो सकती है एंड इसीलिए वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। गेम बहुत ही अच्छी है, एटलीस्ट 25 घंटे का मेन स्टोरी गेम प्ले है एंड थोड़ा सा अलग से भी गेम प्ले और मिलता है तो इससे बेटर डील मुझे नहीं लगता आपको और कहीं पे मिल सकती है। क्या आपको एक ऑसम एडवेंचर एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पर मिथ जंगल एंड काफी सारी नेचुरल कैलेमिटीज को आपको सर्वाइव करना पड़ेगा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शैडो ऑफ द टोम रेडर की जो कि मेरी फेवरेट एडवेंचर गेम्स में से एक है। अगर तुमने ये गेम नहीं खेला है तो तुमने कोई एडवेंचर नहीं देखा है। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही तगड़े हैं बट द मेन थिंग इस गेम का गेम प्ले लाइक स्टेल्थ किल्स टेक डाउन और ऐसी काफी सारी चीजें जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। अब अगर प्लॉट की बात करूं देन इस गेम में लारा क्रॉफ्ट जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है उसने गलती से नेचुरल कैलेमिटीज को हिट कर दिया है जिसे दुनिया के कोने कोनों में अर्थक्वेक सुनामी जैसी चीजें आ रही है एंड इन सबको अब सिर्फ लारा ही ठीक कर सकती है। स्टोरी काफी अच्छी है प्लस 15 घंटे का मेन गेम प्ले है तो इसे खेलने में आपको जरूर मजा आएगा। अगर आपको एक रिलैक्सिंग फर्स्ट पर्सन शूटर गेम एक्सपीरियंस चाहिए विद अ बैंग बैंग एक्शन देन दिस गेम इज बेस्ट फॉर यू। मैं बात कर रहा हूँ फार क्राई 6 की, जहाँ पुरानी फार क्राई में पायरेट्स मर्सेनरीज और कल्टिस्ट विलन थे वहीं इस गेम में एक डिक्टेटर मेन विलन है एंड दैट डिक्टेटर इज माय नेम इज गुस्तावो But you can call me Gus. इस गेम में भी आप अपने कुछ एलायस के साथ एक पागल डिक्टेटर और उसकी पूरी आर्मी से भिड़ जाते हो, बट अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्सपीरियंस की तो ये गेम थोड़ी अलग है एस इस गेम में बूम बम कुछ ज्यादा ही है। प्लॉट की बात करूँ देन ये गेम फिक्शनल कैरेबियन आइलैंड जिसका नाम यारा है वहाँ पे सेट है जिसे एल प्रेसिडेंटे एंटोन कैस्टिलो रूल करता है एस वो यहाँ का डिक्टेटर है एंड यहाँ वो अपने बेटे डिएगो को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है पर वहीं पे इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है डानी रोजर्स जो कि कैस्टिलो और उसके एम्पायर को खत्म करना चाहती है। अब वो ये कैसे करेगी इसे आप गेम खेल कर ही पता लगाना। 15 घंटे का गेम प्ले है तो आप इस गेम को आराम से एंजॉय कर सकते हो। हैरी पॉटर के फैन और एडवेंचर पसंद है देन तुम्हें ये गेम जरूर ट्राई करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हॉगवर्ट्स लेगेसी की। ये गेम इस साल की बेस्ट एडवेंचर गेम्स में से एक है एस इसमें आप ग्रिफिंडोर स्लिदरिन और बाकी हाउसेस में जाते हो और एक विजार्ड की लाइफ को जीते हो। गेम की एक अलग से स्टोरी भी है बट इस गेम में आप मेनली अलग अलग क्लासेस जाते हो एंड वहाँ पे मैजिक सीखते हो एंड सबसे मेन बात इस गेम की ये कि ये आरपीजी गेम है, मतलब आप ऑलमोस्ट गेम में रियल लाइफ की तरह रहोगे। इस गेम में कैरेक्टर कस्टमाइजेशन एंड ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि इस गेम को और ऑसम बनाती है। स्टोरी की बात करूं देन इसमें आप डायरेक्ट फिफ्थ ईयर स्टूडेंट बनकर जाते हो जो कि फिर काफी सारी लोकेशन को एक्सप्लोर करता है एंड कुछ गाइड्स की मदद से अपनी पेंडिंग स्टडीज को कंप्लीट करता है। ऑल्सो हमारे पास एक मिस्टीरियस एंशियंट मैजिक भी होता है जो कि काफी डेंजरस भी है एंड हमारे एनिमीज को शायद इसी की तलाश है। गेम प्ले की बात करूं देन आपको 20 घंटे तक का गेम प्ले भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी सही है। अब अगर तुम लोगों को कोई माइंड रिलैक्सिंग वाली गेम चाहिए जिसमें कोई मारधाड़ ना हो देन दिस गेम इज बेस्ट फॉर यू। हाँ, मैं बात करूं स्ट्रे की जो कि 2022 की बेस्ट गेम्स में से एक है। मतलब किसको लगा होगा कि ये बिल्ली इतने सारे अवार्ड्स नॉमिनेट होगी। खैर, स्ट्रे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एडवेंचर गेम है जिसमें प्लेयर एक कैट को कंट्रोल करते हैं। ये कैट किसी वॉल्ड सिटी में गिर जाती है एंड इस सिटी को रोबोट्स एंड मशीन्स ही चलाते हैं। अब कैट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सरफेस पर वापस आए एंड इसके लिए वो B12 नाम के ड्रोन की हेल्प लेती है। इस ड्रोन की मदद से आप काफी सारे आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हो, पजल सॉल्व कर सकते हो एंड और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये ड्रोन आपकी हेल्प करता है। एंड हाँ, इस गेम में जर्क्स एंड सेंटिनल्स हैं जो कि इस कैट को मारना चाहते हैं तो आपको इनसे भी बचकर रहना पड़ेगा। गेम काफी सही है, एटलीस्ट 4 घंटे का गेम प्ले है तो आराम से आप इस गेम को 2 दिन में खत्म कर लोगे। वेल, अगर आपको अच्छे से किसी गेम को ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना है देन विचर 3 इज बेस्ट फॉर यू। ऑनेस्टली मेरी फेवरेट आरपीजी गेम एज इस गेम की स्टोरी कॉम्बैट ग्राफिक्स सब टॉप नॉच है एंड आई लिटरली रिकमेंड दिस गेम बिकॉज इस गेम को खेलने के बाद आप कभी रिग्रेट नहीं करने वाले हो। गेम के प्लॉट की अगर बात करूं देन इस गेम में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गेराल्ट ऑफ रिविया सीरी को ढूंढने के लिए निकलता है एज द वाइल्ड हंट सीरी को मारने आ रहे होते हैं। अब गेराल्ट क्या सीरी को बचा पाएगा इसके लिए आपको ये गेम खुद से खेलनी पड़ेगी। प्लस इस गेम में मल्टीपल एंडिंग्स है तो आपके डिसीजंस के ऊपर आपकी एंडिंग बेस्ड होगी। एंड हाँ, मेन गेम भी कुछ 35 घंटे का है और अगर आपको गेम और एंजॉय करनी है तो 200 घंटे से भी ज्यादा गेम प्ले इस गेम में पड़ा हुआ है। सो जस्ट एंजॉय दिस गेम।
Well, if you want a old town cowboy feeling, then RDR 2 is best for you. RDR 2 यानी Red Dead Redemption 2 one of the best detail games में से एक मानी जाती है, ऐसी गेम रियल लाइफ जैसी ही है। RDR 2 RDR 1 का प्रीक्वल है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन पे सेट है और गेम की टाइमलाइन 1899 की है, जिसमें आर्थर मॉर्गन नाम का एक बंदा होता है जो कि वांडेल लिंडे गैंग का मेंबर होता है एंड यहाँ पे उसे गवर्नमेंट फोर्सेस, राइवल गैंग्स एंड काफी सारी एडवर्सरी से डील करना पड़ता है एज वो हमारे एनिमीज होते हैं। गेम ओपन वर्ल्ड है तो जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, प्लस गेम में रॉबरीज, हंटिंग्स, शूटआउट्स, हॉर्स राइडिंग जैसी काफी सारी चीजें हैं और साथ ही साथ आप काफी सारे NPCs के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। गेम काफी सही है एंड इस गेम में आपको 30 घंटे का गेम प्ले भी देखने को मिल जाएगा, जो कि और भी अच्छी बात है। बल्कि आपको ओल्ड नॉर्थ स्मिथ को एक्सप्लोर करना है विद वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट गेमिंग कैरेक्टर, देन दिस गेम इज बेस्ट फॉर यू। मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर 2018 की। गॉड ऑफ वॉर 2018 गॉड ऑफ वॉर 3 का सीक्वल है, जो कि ग्रीक की जगह नॉर्थ स्मिथ में सेट है। इस गेम में मेनली दो प्रोटैगनिस्ट हैं, पहला क्रेटोस द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर और आट्रियस जो कि क्रेटोस का ही बेटा है। गेम की स्टार्टिंग में ही क्रेटोस की वाइफ फे की डेथ हो जाती है एंड एंड में वो दोनों उसकी विश पूरी करने की जर्नी पर निकलते हैं, जहां उन्हें फे की एशेस को सारे रंग्स की सबसे ऊंची चोटी से फैलाना होता है। अब इनकी जर्नी तो आसान होगी नहीं, इसलिए काफी सारे नॉर्थ स्मिथ के मॉन्स्टर्स और इवन गॉड से भी इन्हें लड़ना पड़ेगा। गेम में आर्ट्रियस को अभी क्रेटोस के पास के बारे में कुछ नहीं पता, एज क्रेटोस ने अभी उसे इन बातों से छुपा कर रखा है, पर आगे क्या होगा ये सब आप खुद खेल कर जानना। गेम काफी सही है एंड 12 घंटे का मेन गेम प्ले देती है, इवन मैंने तो इस गेम को 4 दिन में ही खत्म कर लिया था एंड आई होप कि आपको भी इसे खेलने में मजा आए। अगर आपको एक ऑसम स्टोरी के साथ जंगल और आइलैंड को एक्सप्लोर करना है, देन अनचार्टेड इज बेस्ट फॉर यू। खैर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अनचार्टेड द लेगेसी ऑफ थीव्स कलेक्शन की, जिसमें दोनों लेटेस्ट अनचार्टेड आ जाती है। गेम की बात करूँ देन इट्स परफेक्ट, मतलब ग्राफिक्स इज जस्ट ऑन नेक्स्ट लेवल और गेम प्ले की देखा जाए तो वो भी काफी मस्त है। अनचार्टेड 4 में नेथन ड्रेक अपने भाई सैम ड्रेक की हेल्प करता है एंड उसकी हेल्प करते नेथन फिर से किसी एडवेंचर पर निकलता है, ऐसा उसने पहले काम करना छोड़ दिया था। और बात करूँ लॉस्ट लेगेसी की, तब इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट क्लोए फ्रेजर गणेश भगवान जी के टस्क की तलाश में होती है, जिसके लिए वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंजेस में उसकी तलाश करती है एंड उसके साथ एक्स मर्सिनरी नेडीन रॉस एज अ पार्टनर और उसके पीछे एक रूथलेस वॉरलॉर्ड आसव अपनी इंसर्जेंट्स की आर्मी लेकर पड़ा होता है एंड इसी ने ही कंट्री में सिविल वॉर भी शुरू कर रखी होती है। अब क्या क्लोए और नेथन दोनों अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं, उसके लिए आपको ये गेम खेलना पड़ेगा। गेम ऑलमोस्ट 15 से 20 घंटे का गेम प्ले देती है एंड इसमें इतने ऑसम सीन्स एंड पजल्स होते हैं कि आपका गेम को लगातार खेलने का मन करता है, सो इस गेम को जरूर ट्राई करना। वेल अगर तुम्हें एक अच्छी स्टोरी विद ऑसम ग्राफिक्स एंड नेक्स्ट लेवल कॉम्बैट चाहिए, देन दिस गेम इज बेस्ट फॉर यू। मैं बात कर रहा हूँ इस लिस्ट की लास्ट गेम द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की। ये गेम पहले 2013 में आई थी, लेकिन इसका रीमेक जस्ट अभी कुछ दिन पहले पीसी के लिए रिलीज हुआ है। इस गेम में कॉर्डिसेप्स नाम का फंगस म्यूटेट होकर इंसानों को ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स में बदल देता है एंड इसी वजह से अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से ही भिड़ जाते हैं, एज रिसोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सर्वाइव। पर काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि मिलजुल कर कैंप बनाकर सर्वाइव कर रहे हैं। अब यहाँ इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट जोल एक एली नाम की बच्ची को एस्कॉर्ट कराता है, बट काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो कि गेम की स्टोरी को पलट कर रख देते हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं गेम की स्टोरी को स्पॉइल करूं, सो दैट्स व्हाई आपके ऊपर है कि आप इस गेम को खेलो और इसकी स्टोरी जानो। गेम में एक एक्सपेंशन भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, एज उसमें एली और उसके बेस्ट फ्रेंड राइली की स्टोरी दिखाई गई है जो कि बेसिकली उसका पास्ट है। इस गेम का गेम प्ले कुछ 12 घंटे का है, तो यू कैन एंजॉय दिस गेम। खैर बस आज के लिए इतना ही, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आप कौन से गेम खेलने वाले हो। आने वाले 3 बेस्ट कमेंट्स को मैं हार्ट दूंगा एंड वीडियो पसंद आए तो प्रेस द लाइक बटन। मैं ऐसे ही ऑसम गेमिंग वीडियोस अपलोड करता हूं, तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फ्यूचर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना। वैसे भी ये चीजें फ्री है तो कर दो एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग, बाय बाय, सी यू।